please subscribe to our channel. Hey guys, welcome to our channel Studio Adored. मैं हूँ कोमल और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बॉलीवुड की कुछ खास खबरें. तो चलिए शुरू करते हैं. नीरू बाजपा ने जट एंड जूलियट 3 के अपने सह कलाकार दिलजीत दोसांझ के बारे में बात करते हुए कहा है कि दिलजीत ने हम पंजाबियों को दुनिया में ऊंचा स्थान दिलाया है, मुझे उन पर बहुत गर्व है. दिल लुमिनाटी टूर का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, मैं उनके शो में गई थी, मैं बता नहीं सकती कि ये कैसा एहसास था. एक्टर आदिल हुसैन ने डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा की फिल्म एनिमल में कोई रोल करने के सवाल पर कहा है कि वो ऐसी फिल्म कभी नहीं करेंगे. उन्होंने कहा, 100-200 करोड़ रुपए देते तो भी एनिमल में काम नहीं करता. इससे पहले हुसैन ने कहा था कि उन्हें रेड्डी की फिल्म कबीर सिंह में काम करने का पछतावा है. इंदिरा कृष्णा ने आगामी फिल्म रामायण के सेट से को एक्टर रणबीर कपूर के साथ अपनी एक BTS तस्वीर इंस्टाग्राम पर शेयर की है. उन्होंने लिखा, आपकी देखभाल प्यार अच्छाई के लिए धन्यवाद. फिल्म में रणबीर भगवान राम बनेंगे और रिपोर्ट्स के मुताबिक इंदिरा भगवान राम की मां कौशल्या की भूमिका में दिखेंगी. अभिनेत्री और मंडी से BJP सांसद कंगना रनौत को 6 जून को चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर थप्पड़ मारने के बाद गिरफ्तार की गई. CISF की महिला जवान कुलविंदर कौर के भाई ने एक वीडियो जारी किया है. वीडियो में कुलविंदर के भाई ने कहा है कि उन्हें इस घटना का कोई अफसोस नहीं है और वो किसी से माफी नहीं मांगेगी. आलिया भट्ट ने रियासी में तीर्थ यात्रियों की बस पर हुए आतंकी हमले को लेकर इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी पोस्ट करते हुए लिखा है, ये दिल दहला देने वाली घटना है. उन्होंने लिखा, इस हमले में जान गंवाने वाले और घायलों के परिवारों के प्रति मेरी संवेदनाएं है. मासूमों पर हिंसा ने मानवता को हिलाकर रख दिया है. सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल के शादी करने की रिपोर्ट्स पर उनके भाई लव सिन्हा ने ई टाइम से कहा है, मैं अभी मुंबई से बाहर हूँ, इस मामले पर मैं कुछ नहीं कहूँगा, मेरा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है. और खबर के मुताबिक सोनाक्षी 23 जून को शादी करेंगी. उनके पिता शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि उन्हें शादी के बारे में नहीं पता. फिल्म मेकर अनुराग कश्यप ने फिल्म एनिमल के डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा की तारीफ करते हुए बॉलीवुड इंडस्ट्री को टॉक्सिक बताया है. कश्यप ने कहा, मुझे ये लड़का पसंद है, मुझे उससे कोई परेशानी नहीं है. इंडस्ट्री में बहुत से ऐसे लोग हैं जो खुद को दूसरों जैसा दिखाने का दिखावा करते हैं, लेकिन संदीप ईमानदार हैं. रवि दुबे ने कहा है कि अगर कोई डायरेक्टर ये सोचता है कि वो ज्यादा फीस लेते हैं तो डायरेक्टर को ये मान लेना चाहिए कि उन्हें पैसों में कोई दिलचस्पी नहीं है. रवि ने कहा कि कोई प्रोजेक्ट अच्छा है तो वो सिर्फ 101 रुपए लेंगे और इससे अधिक कुछ नहीं. उन्होंने कहा, जरूरत पड़ी तो अपनी वैनिटी वैन भी मैं ले आऊंगा. एक्टर सैफ अली खान के बेटे इब्राहिम अली खान ने हाल ही में BMW X5 खरीदी है जिसकी कीमत 1.13 करोड़ बताई जा रही है. वे 10 जून रात अपनी कार को मुंबई में अपने घर लेकर पहुंचे जिसकी तस्वीर सामने आई है. और हाल ही में इब्राहिम ने अपने एक्टिंग डेब्यू के प्रोजेक्ट की शूटिंग खत्म की है. बॉम्बे हाई कोर्ट से मंजूरी मिलने के बाद अन्नू कपूर की फिल्म हमारे 12-14 जून को सिनेमा घरों में रिलीज की जाएगी. फिल्म के निर्माता ने कहा है, हमने फिल्म हमारे 12 की मेकिंग में अपने जीवन भर की कमाई लगा दी है. कुछ समुदाय के लोगों ने फर्जी और गलत संदेश फैलाकर फिल्म को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है. आज के लिए बस इतना ही. मैं आपसे कल फिर मिलूंगी नई अपडेट्स के साथ. और अगर आप नई अपडेट्स देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल स्टूडियो अड्डा को सब्सक्राइब कर लीजिए और बॉलीवुड की कुछ खास खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ.